Which is more important? कौन ज्यादा मैटर करता है, डिवाइस या स्किल? इसका आंसर सब डिबेट करता है, आप भी जरूर किया होगा। कोई कहता है कि डिवाइस ज्यादा मैटर करता है और कोई स्किल, और कोई बोलता है 50-50, स्किल एंड डिवाइस दोनों बराबर मैटर करता है। तो चलो हम पता करते हैं कौन ज्यादा मैटर करता है। हेलो दोस्तों, देवी और सज्जनों, मैं हूं कच्चा खिलाड़ी, मेरा नाम है अरे बापरे। इस वीडियो में हम आज एनालाइज करेंगे कौन ज्यादा मैटर करता है, डिवाइस या स्किल। उसके लिए पहले हमें गेम को बेसिक फॉर्म में ब्रेक डाउन करना है। ये तो सबको पता है, पबजी एंड BGMI एक बैटल रॉयल गेम है जिसमें प्लेयर्स का गोल होता है टू बी द लास्ट मैन स्टैंडिंग। जीतने के लिए आपको प्लेयर्स को एलिमिनेट करना है। एनिमीज को एलिमिनेट करने के लिए प्लेयर्स वेपन्स का इस्तेमाल कर सकता है। गेम के शुरुआत में प्लेयर्स खाली हाथ रहेंगे और उन्हें बैटल रॉयल आइलैंड में एरोप्लेन से पैराशूट लैंडिंग करना है। लैंडिंग होने के बाद उन्हें लूट खोजना है जो उन्हें सर्वाइव करने और दूसरे प्लेयर्स को एलिमिनेट करने में मदद करेगा। जो प्लेयर या टीम लास्ट तक सर्वाइव कर पाता है वो गेम जीत जाएगा। और गेम का फ्लो चार्ट है ऐसा। ये फ्लो चार्ट गेम का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है। स्टार्ट बटन दबाने से गेम फाइंड होगा। लोडिंग होने के बाद प्लेयर्स लॉबी में आएगा। लॉबी में प्लेयर्स गेम मोड को चेक कर सकता है। अगर उन्हें गेम मोड पसंद नहीं है तो वे मैच को एक्सिट कर सकता है। एक्सिट करने से प्लेयर्स वापस मेन मेन्यू में चला जाएगा, और अगर एक्सिट नहीं करता है तो प्लेयर्स ऑटोमेटिकली मेन गेम में एंटर हो जाएगा। तो ये था गेम का बेस स्ट्रक्चर। आपको ये पॉइंट्स ध्यान में रखना है। लॉबी के बाद प्लेयर्स मेन गेम में आ जाता है। असली गेम लैंडिंग होने के बाद शुरू होता है। जब कोई एक प्लेयर सबसे पहले जमीन छूता है तब से गेम शुरू हो जाता है। आप रेडी हो या ना हो, गेम शुरू हो जाता है। और गेम प्ले 3 फेज में होता है, अर्ली गेम, मिड गेम एंड लेट गेम। गेम प्ले 3 फेज में इसीलिए है क्योंकि गेम का कुछ मूवमेंट दूसरे से ज्यादा क्रूशियल होता है और हर गन फाइट का वैल्यू सेम नहीं होता है। जब प्लेयर्स लैंड हो जाता है उस पल से लेके 2 मिनट तक का समय को बोलता है अर्ली गेम। ये फेज सबसे क्रूशियल है क्योंकि इस फेज में आप एलिमिनेट होगा तो आपका KD एंड रैंक दोनों बहुत हाई माइनस होगा, और मरने का चांसेस भी बहुत हाई होता है क्योंकि प्लेयर्स के पास हेलमेट एंड वेस्ट नहीं होता है। इस फेज में वेपन्स होना बहुत ज़रूरी है। जिसके पास गन होगा वो अर्ली गेम जीत जाएगा, इसीलिए अर्ली गेम का गन फाइट बहुत इम्पोर्टेंट है। ज़्यादातर प्लेयर्स अर्ली गेम में मर जाता है। एक्सट्रीमली आइसोलेटेड एरियाज में जाके आप अर्ली गेम को सर्वाइव तो जरूर कर सकता है, लेकिन ऐसा करने से आपका गेम IQ और फाइट एक्सपीरियंस बहुत लो होगा, आपका स्किल इम्प्रूव नहीं होगा। ह्यूमन प्लेयर्स से फाइट करते ही आप मर जाओगे, इसीलिए जैसे भी हो आपको ऐसा जगह में जाना है जहाँ में एटलीस्ट 1 एनिमी स्क्वाड आता है, या फिर डिसेंट ड्रॉप लोकेशन से 100 मीटर डिस्टेंस में। और उसके बाद आता है मिड गेम। जब फर्स्ट सर्कल बंद होना शुरू होता है तब से मिड गेम शुरू होता है। फर्स्ट सर्कल से लेके 5th सर्कल तक होता है मिड गेम। मिड गेम में प्लेयर्स सेफ होता है, गन फाइट भी कम होता है और मरने के चांसेस भी लो होता है क्योंकि प्लेयर्स के पास डिसेंट आर्मर, वेपन्स एंड कंज्यूमेबल आइटम्स होता है, और सारे प्लेयर्स एक दूसरे से बहुत दूर होता है, इसीलिए मिड गेम में फाइट्स कम होता है। आप बिना फाइट किए भी मिड गेम को सर्वाइव कर सकता है, इसीलिए मिड गेम का फाइट कंपैरेटिवली इम्पोर्टेंट नहीं है। और अगर आप मर भी जाओगे तो आपका पॉइंट ज़्यादा डिडक्ट नहीं होगा, स्पेशली जब मिड गेम के एंड फेज में आप मरते हैं तो। लेकिन अगर आपको KD बढ़ाना है तो आपको एनिमीज हंट करना है, नहीं तो KD नहीं बढ़ेगा। और उसके बाद आता है लेट गेम। 6th सर्कल से शुरू होता है लेट गेम। लेट गेम में सारे प्लेयर्स धीरे धीरे सर्कल की ओर आना शुरू कर देता है, जिसके कारण प्लेयर्स का नंबर बढ़ जाता है। बहुत छोटे एरिया में भी प्लेयर्स टाइटली पैक हो जाता है और गन फाइट होना गारंटीड है। लेट गेम में आप मिड गेम की तरह गन फाइट को अवॉइड नहीं कर सकता है। जीतने के लिए आपको एनिमीज को एलिमिनेट करना है, नहीं तो एनिमीज आपको एलिमिनेट कर देगा। ये सारे पॉइंट्स को आप ध्यान में रखना है। टेस्टिंग के लिए हम यूज करेंगे Honor 9 Lite एंड Poco F1। तो सबसे पहले हम टेस्ट करेंगे फ्लो चार्ट का डिसीजन बॉक्स को, यानी लॉबी को।
आप देख सकते हैं लो एंड डिवाइस में फ्लो चार्ट का डिसीजन फीचर को हम यूज नहीं कर सकता है। गेम मोड को जांच कर सकने से पहले या अपने टीम में से कोई एक्सिट किया है कि नहीं वो देख सकने से पहले गेम स्टार्ट हो जाता है, लेकिन अच्छे डिवाइस में ऐसा नहीं होता है। तो ये क्लियरली प्रूफ करता है कि फ्लो चार्ट का डिसीजन के लिए डिवाइस मैटर करता है। नेक्स्ट हम टेस्ट करेंगे पैराशूट लैंडिंग। लो एंड डिवाइस में हॉट ड्रॉप करो या ना करो आपका गेम हैंग हो जाता है अगर एक से ज्यादा एनिमी स्क्वाड आपके साथ उतरता है तो। हैंग होने के कारण हमें कुछ पता नहीं होता है, कवर में है या नहीं, घर के अंदर है या बाहर, ऑब्स्टेकल्स है या नहीं, कुछ अता पता नहीं होता है। और आपको ऐसा 10 सेकंड से ज्यादा बैठना पड़ता है वो भी सिर्फ एक या दो एनिमी स्क्वाड के लिए। हॉट ड्रॉप लोकेशन में तो और भी ज्यादा हैंग होता है और कभी कभी गेम ही बंद हो जाता है, स्पेशली जब रिकॉर्डिंग करता है तो। लेकिन अच्छे डिवाइसेस में ऐसा हैंग नहीं होता है। फ्रेम रेट ड्रॉप तो जरूर होता है स्पेशली बजट डिवाइसेस में, लेकिन हैंग नहीं होता है, होने से भी 2 सेकंड से ज्यादा नहीं होता है। तो हम क्लियरली देख सकते हैं पैराशूट लैंडिंग के लिए डिवाइस मैटर करता है। प्लेयर्स चाहे जितना भी स्किल्ड हो, 10 सेकंड से ज्यादा समय का हैंग में स्किल किसी काम का नहीं है। जब लोकेशन एंड मूवमेंट के बारे में ही कुछ अता पता नहीं है तो स्किल को भूल ही जाओ, आपको मुक्का मार के भी इजीली मार देगा। लैंडिंग करने के बाद प्लेयर्स को वेपन्स एंड गियर्स लूटना होता है। तो चलो हम टेस्ट करते हैं लूटिंग को। आप देख सकते हैं लो एंड डिवाइसेस में लूट को प्रोसेसिंग होने में थोड़ा समय लगता है। लो एंड डिवाइसेस में लूट उठाया कि नहीं आपको पता नहीं चलता है, स्पेशली जब 2 या 3 एनिमी स्क्वाड आपके साथ उतरता है तो। लूट को रेंडर होने के लिए आपको 1-2 सेकंड रुकना पड़ता है। इस क्लिप में मेरा कैरेक्टर मिनी 14 को ऑटो पिकअप करता है, लेकिन वेपन स्लॉट में मिनी 14 नहीं होता है। गन को रेंडर होने के लिए मुझे 5 सेकंड रुकना पड़ा है, लेकिन अच्छे डिवाइसेस में लूट जल्दी रेंडर होता है और हम जल्दी उठा भी पाता है। हम क्लियरली देख सकते हैं लूटिंग के लिए डिवाइस मैटर करता है। वेपन्स मिलने के बाद प्लेयर्स को करना है गन फाइट। तो चलो अब हम टेस्ट करते हैं गन फाइट को। फायर बटन दबाने से गोली फायर होता है और टारगेट को हिट करने के लिए हमें अपना क्रॉस हेयर को टारगेट में ले आना है, और वो हम कर सकते हैं फिंगर स्वाइप जेस्चर से। अच्छा एमिंग के लिए आपका ट्रैकिंग सही होना पड़ेगा। तो पहले हम टेस्ट करेंगे ट्रैकिंग को। टेस्टिंग के लिए मैंने दोनों डिवाइस को सेम सेंसिटिविटी में रखा है। फर्स्ट हम टेस्ट करेंगे वर्टिकल ट्रैकिंग। इस बॉल को हम वर्टिकली ट्रैकिंग करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं लो एंड डिवाइस में ट्रैकिंग सही नहीं होता है, कर्सर इधर उधर चला जाता है, लेकिन अच्छे डिवाइस में हम ट्रैकिंग सही से कर पाता है। और हॉरिजॉन्टल ट्रैकिंग के लिए हम इस टारगेट बोर्ड को ट्रैक करेंगे। इधर भी आप देख सकते हैं लो एंड डिवाइसेस में ट्रैकिंग सही नहीं होता है। ये क्यों होता है जानने के लिए मेरा वेपन चॉइस फॉर लो एंड डिवाइसेस वीडियो को जरूर देखना, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब हम टेस्ट करेंगे रिकॉइल कंट्रोल को। हम क्लियरली देख सकते हैं लो एंड डिवाइसेस में रिकॉल कंट्रोल करना बहुत तकलीफ होता है, लेकिन अच्छे डिवाइसेस में रिकॉल कंट्रोल इजीली हो जाता है। मतलब रिकॉल कंट्रोल करने के लिए डिवाइस मैटर करता है। नेक्स्ट हम टेस्ट करेंगे स्नाइपिंग को। लो एंड डिवाइसेस में स्नाइपिंग बहुत बेकार होता है। डिवाइस बहुत स्लो रेस्पॉन्ड होता है और उसके कारण टारगेट को ट्रैक करने में बहुत तकलीफ होता है, इसीलिए स्नाइपिंग बहुत स्लो होता है। लेकिन अच्छे डिवाइस में स्नाइपिंग ऐसा स्लो नहीं होता है, आप जल्दी रिएक्ट कर पाता है। ये क्यों होता है जानने के लिए मेरा वेपन चॉइस फॉर लो एंड डिवाइसेस वीडियो को जरूर देखना, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो हम क्लियरली देख सकते हैं टारगेट ट्रैकिंग, रिकॉल कंट्रोल एंड स्नाइपिंग के लिए डिवाइस मैटर करता है। बेसिकली गन फाइट के लिए डिवाइस मैटर करता है। गेम को खेलने के लिए हमें डिवाइस को टच इनपुट देना पड़ता है,
सारे इंटरेक्शंस के लिए टच इनपुट ज़रूरत होता है, और अगर डिवाइस को टच इनपुट नहीं मिलता है तो हम गेम में इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। लो एंड डिवाइस में टच रिस्पॉन्स बहुत ख़राब और अनरिलायबल होता है, जिसके कारण आपका एक्शन बहुत स्लो होता है, स्पेशली जब स्नैकिंग करता है तो। एग्जाम्पल के लिए इस क्लिप को देखो। हाँ, लो एंड डिवाइस प्लेयर को यह सभी सुनने को मिलता है। मैंने अपना क्रॉस हेयर को टारगेट में लाने की पूरी कोशिश किया, लेकिन फिर भी मेरा डिवाइस रेस्पॉन्ड नहीं हुआ। पूरे ताकत लगा के भी स्वाइप करके देखा, लेकिन फिर भी डिवाइस रेस्पॉन्ड नहीं हुआ। डिवाइस रेस्पॉन्ड होते होते बहुत लेट हो गया। इसीलिए लो एंड डिवाइस स्नाइपिंग एंड ग्रेनेडिंग के लिए ठीक नहीं होता है। कभी कभी तो डिवाइस रेस्पॉन्ड होना ही बंद हो जाता है, जैसे इस क्लिप में हुआ है। मैंने स्क्रीन को इन्वर्ट करके भी बटन दबा के देखा, लेकिन फिर भी डिवाइस रेस्पॉन्ड नहीं हुआ है। रिसॉल्व करने के लिए मुझे पावर बटन दबाना पड़ा है। पावर बटन दबाने के बाद गेम में वापस आने के लिए मुझे 10 सेकंड लगा है, और प्लेयर्स को नॉक होने के लिए 1 सेकंड भी नहीं लगता है। सोचो क्या होगा 10 सेकंड का वेट टाइम में। इस क्लिप में भी सेम प्रॉब्लम हुआ है। ये बोट मुझे ऑलमोस्ट नॉक कर दिया था। पावर बटन दबाने के बावजूद भी मेरे डिवाइस को रेस्पॉन्ड होने के लिए एक्स्ट्रा 4 सेकंड लगा है, लेकिन अच्छे डिवाइसेस में ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है, स्पेशली हाई एंड डिवाइसेस में। तो और एक बार हम देख सकते हैं कि डिवाइस मैटर करता है। रिलायबल टच इनपुट होने के लिए डिवाइस मैटर करता है। तो नेक्स्ट हम टेस्ट करेंगे जायरोस्कोप। ये तो सबको पता है, जायरोस्कोप से हम गेम को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलो हम टेस्ट करते हैं जायरोस्कोप को। मैंने जायरोस्कोप का सेंसिटिविटी दोनों डिवाइस में सेम रखा है, लेकिन आप देख सकते हैं लो एंड डिवाइसेस में जायरोस्कोप एकदम बेकार का है, बहुत डिले एंड इनएक्यूरेट होता है, मतलब आप जायरो यूज नहीं कर पाओगे चाहे जितना भी प्रैक्टिस कर लो। लो एंड डिवाइसेस में बेहतर है कि आप बिना जायरो का ही खेलें। तो ये और एक बार प्रूव करता है कि जायरोस्कोप के लिए डिवाइस मैटर करता है। अब और एक सवाल उठता है, क्या जायरो यूज करने से प्लेयर्स को एडवांटेज मिलता है? इसका आंसर है यस। जी हाँ, जायरो से आप रिकॉल के साथ साथ कैमरा को भी इजीली कंट्रोल कर सकता है। एग्जांपल के लिए इस क्लिप को देखो। जब हम जायरो यूज नहीं करता है तब हम कैमरा को अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाता है। हम एक साथ आई बटन एंड कैमरा रोटेशन को यूज नहीं कर पाता है, दोनों में से एक ही यूज कर सकता है। लेकिन जायरो की मदद से हम आई बटन एंड कैमरा रोटेशन दोनों एक साथ यूज कर पाता है। ग्रेनेडिंग एंड रिकॉल कंट्रोल जायरो के मदद से बहुत इजी हो जाता है, और यह साबित करता है कि जायरो प्लेयर्स को नॉन जायरो प्लेयर से ज्यादा एडवांटेज मिलता है। तो ये और एक बार प्रूव करता है कि डिवाइस मैटर करता है। गेम में सिचुएशन के साथ रिएक्ट करने के लिए पहले हमें चीजों को देख पाना है। उसके लिए हमें टेस्ट करना है FPS को, फ्रेम्स पर सेकेंड, एक सेकंड में कितना फ्रेम रेंडर होता है। फ्रेम रेंडर होने के कारण ही ऑब्जेक्ट एनिमेट होता है, अगर फ्रेम रेंडर नहीं होगा तो ऑब्जेक्ट एनिमेट नहीं करेगा। और हमें ऑब्जेक्ट्स के मूवमेंट के बारे में कुछ पता नहीं होगा, एनिमी आपको अटैक करने वाला है या नहीं आपको पता नहीं चलेगा। लो एंड डिवाइसेस में लो फ्रेम रेट होने के कारण रिएक्शन टाइम बहुत स्लो होता है, आप एनिमी का एग्जैक्ट मूवमेंट को देख नहीं पाता है। गेम का FPS काउंट इस तरह होता है, 20 FPS मतलब 1 सेकंड में 20 फ्रेम रेंडर होगा, और 90 FPS मतलब 1 सेकंड में 90 फ्रेम रेंडर होगा। एग्जांपल के लिए हम लो और अल्ट्रा FPS का फ्रेम को कंपेयर करेंगे, और टेस्टिंग के लिए हम दोनों FPS का 25% फ्रेम रेट को ही यूज करेंगे, नहीं तो मुझे बहुत सारा फ्रेम थ्रोइंग करना पड़ेगा।
अगर फुल फ्रेम यूज करेगा तो मुझे लो FPS के लिए 20 फ्रेम्स ड्रॉइंग करना है और अल्ट्रा फ्रेम्स के लिए 40 फ्रेम्स, वो भी बस एक सेकेंड के क्लिप के लिए। और ये 20 और 40 फ्रेम्स 5 सेकेंड्स का क्लिप के लिए हो जाता है 100 एंड 200 फ्रेम्स, वो तो ज़्यादा ही फ्रेम्स हो जाता है मेरे लिए। इसीलिए हम दोनों FPS का सिर्फ 25% फ्रेम रेट को यूज़ करेंगे। लो FPS का 25% है 5 फ्रेम्स और अल्ट्रा का 25% है 10 फ्रेम्स, और दोनों का एनिमेशन है ऐसा। देखने में लगता है कि 10 FPS में फास्टर मूवमेंट हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दोनों क्लिप का कैरेक्टर एक ही समय में कदम बढ़ाता है, दोनों एग्जैक्ट सेम टाइम में एनिमेट हो रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि 10 FPS में फास्टर मूवमेंट हो रहा है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि लोअर फ्रेम रेट में हम इन बिटवीन फ्रेम्स को देख नहीं पाता है। इस वॉक एनिमेशन का मेन फ्रेम है ऐसा। 5 FPS में हम ये 5 मेन फ्रेम को ही देख पाता है, और इन की फ्रेम्स के बीच फ्रेम्स को बोलता है इन बिटवीन फ्रेम्स। इन बिटवीन फ्रेम्स के कारण ही एनिमेशन सॉफ्ट एंड फास्टर लगता है। 10 FPS में हम ये 5 मेन की फ्रेम के साथ साथ इन बिटवीन फ्रेम्स को भी देख पाता है, तब टोटल फ्रेम्स हो जाता है 10 फ्रेम्स। दोनों एनिमेशन का टाइम एग्जैक्ट सेम टाइम है, लेकिन इन बिटवीन फ्रेम्स की वजह से ऐसा लगता है कि हायर FPS में कैरेक्टर फास्टर मूव कर रहा है। इन बिटवीन फ्रेम्स को देख नहीं पाने के कारण लो FPS में हमें विजुअल इंफॉर्मेशन जल्दी नहीं मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलते मिलते बहुत देर हो जाता है। कन्फ्यूजन नहीं होने के लिए मैं फ्रेम बाय फ्रेम एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम प्लेयर ए एंड प्लेयर बी दोनों से कहता हूँ कि जैसे ही कैरेक्टर अपना हाथ नीचे रखता है, उन्हें कैरेक्टर को हेडशॉट करना है। स्टार्ट में उन्हें अपना क्रॉस हेयर को नीचे राइट हैंड साइड में रखना है। जैसे ही रेंडरिंग शुरू होता है, प्लेयर बी को इन बिटवीन फ्रेम्स दिख जाता है, और वो अपना क्रॉस हेयर को कैरेक्टर के सर पर ले आता है, और वो फ्रेम 1 और फर्स्ट इन बिटवीन फ्रेम का रेंडरिंग टाइम को मेजर करके फ्रेम 2 में एग्जैक्ट टाइम पर हेडशॉट कर सकता है। लेकिन प्लेयर ए ऐसा कभी नहीं कर पाएगा, उसके पास अलर्ट होने का समय नहीं होगा। उसका हर मूव कैरेक्टर के एक्शन खत्म होने के बाद ही होगा, मतलब रिएक्शन टाइम डिले होगा, क्योंकि उसे विजुअल इंफॉर्मेशन बहुत लेट में मिलता है। इसी वजह से लो एंड डिवाइसेस में आप एनिमीज को आते हुए देख नहीं पाता है, एनिमीज सडनली पहुंच जाता है। डिवाइस जितना FPS सपोर्ट करेगा उतना ज़्यादा इन बिटवीन फ्रेम्स भी होगा, और आपका रिएक्शन टाइम भी फास्टर होगा। एग्जाम्पल के लिए हमने लो और अल्ट्रा का सिर्फ 25% फ्रेम रेट को यूज़ किया है, और दोनों का डिफरेंस है 5 फ्रेम्स। और 90 FPS का 25% फ्रेम रेट है 22.5 फ्रेम्स। 90 FPS का 25% फ्रेम रेट ही लो FPS का फुल 100% फ्रेम रेट से ज़्यादा है। सोचो कितना एडवांटेज होगा, 90 FPS में आप ऑलमोस्ट 5 टाइम्स फास्टर रिएक्ट कर पाएगा। तो ये और एक बार प्रूफ करता है कि डिवाइस मैटर करता है। जितना FPS ज़्यादा होगा उतना जल्दी आप रिएक्ट कर पाएगा, और आपका एमिंग एंड रिकॉल कंट्रोल भी एक्यूरेट होगा। ये तो सब जानता है कि हम गेम का कंट्रोल्स को कस्टमाइज कर सकता है। कस्टमाइज लेआउट हमें ज़्यादा डेक्सटरिटी देता है और कम्प्लेक्स मूव करने में मदद करता है, जो हम डिफॉल्ट लेआउट में नहीं कर पाता है। कस्टमाइज लेआउट की मदद से आप अपना गेम प्ले को इम्प्रूव कर सकता है, और कंट्रोल्स को कस्टमाइज करने के लिए अच्छे डिवाइस होना ज़रूरत नहीं है। आपको गेम कैसा खेलना है ऐसा कुछ रूल नहीं है, आप जैसा खेलना चाहते हो वैसा खेल सकते हो, इट्स योर चॉइस। जहरीला सांप बनो, बिना वेपन्स का फाइट करो, चलते हुए गाड़ी से कूद जाओ, एनिमी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दो, स्ट्रेटेजिक गेम प्ले खेलो, कुछ भी करो, इट्स ऑल योर चॉइस। बस हैकिंग नहीं करना है, और डिसीजन लेने के लिए अच्छा डिवाइस होना ज़रूरत नहीं है, डिवाइस मैटर नहीं करता है। तो फाइनली ये है टेस्ट का समरी। लॉबी का डिसीजन फीचर को यूज़ करने के लिए डिवाइस मैटर करता है, पैराशूट लैंडिंग में डिवाइस मैटर करता है, लूटिंग के लिए डिवाइस मैटर करता है, टारगेट ट्रैकिंग के लिए डिवाइस मैटर करता है, रिकॉल कंट्रोल करने के लिए डिवाइस मैटर करता है, रिलायबल टच रिस्पॉन्स के लिए डिवाइस मैटर करता है, जायरोस्कोप के लिए डिवाइस मैटर करता है, रिएक्शन टाइम फास्ट होने के लिए डिवाइस मैटर करता है,
कंट्रोल्स को कस्टमाइज करने के लिए डिवाइस मैटर नहीं करता है। गेम आईक्यू को इम्प्रूव करने के लिए डिवाइस मैटर नहीं करता है। टेस्ट के लिए मैंने गेम का सारे क्रूशियल एट्रीब्यूट को कंपेयर किए हैं और टेस्ट का रिजल्ट है 80-20। डिवाइस 80% मैटर करता है और स्किल 20%। जो प्लेयर्स कभी लो एंड डिवाइस में नहीं खेला है वो इस रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं होगा, लेकिन सच्चाई यही है, स्किल से ज़्यादा डिवाइस मैटर करता है। जब आपका डिवाइस टच इनपुट को रेस्पॉन्ड नहीं करता है, हैंग होता है, एनिमी मूवमेंट को देख नहीं पाता है, लूट को रेंडर होने में 3-4 सेकेंड लगता है, तो आप चाहे जितना भी स्किल्ड हो आप कुछ नहीं कर पाएगा। लो एंड डिवाइसेस में आप चाहे जितना भी प्रैक्टिस कर लो आपका गेम कभी इम्प्रूव नहीं होगा, क्योंकि वो हार्डवेयर लिमिटेशन है, आपका स्किल का नहीं। आपको जैसे भी हो कम से कम बजट डिवाइस में खेलना है। लो एंड डिवाइसेस में GFX टूल लगाओ या मत लगाओ, एनिमी स्क्वाड आते ही आपका गेम लैग हो जाता है। GFX टूल बजट डिवाइस के लिए बेस्ट होता है। लो एंड डिवाइसेस GFX टूल के लिए ज़्यादा ही बेकार है। GFX टूल लगाओ या मत लगाओ, आपका गेम टीम फाइट में ज़रूर हैंग होगा। इसीलिए आपको जैसे भी हो बजट डिवाइस में खेलना है। अगर आपका डिवाइस 2 या 3 GB रैम है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लो एंड डिवाइस है। आपको डिवाइस का प्रोसेसर को देखना है, रैम नहीं। रैम बस प्रोसेसर को मल्टीपल टास्क हैंडलिंग करने में मदद करता है, असली प्रोसेसिंग प्रोसेसर करता है। इसीलिए iPhone 8 2 GB रैम होके भी एक्सट्रीम FPS सपोर्ट करता है, क्योंकि उसके प्रोसेसर बहुत सही है। लेकिन Honor 9 Lite 3 GB रैम होके भी मीडियम से ज़्यादा FPS नहीं देता है, क्योंकि उसके प्रोसेसर बहुत वीक है। रैम तो iPhone 8 से ज़्यादा है लेकिन प्रोसेसर बहुत वीक है, इसीलिए सिर्फ मीडियम FPS दे पाता है। तो ये था डिवाइस वर्सेस स्किल का कंपैरिजन। स्किल से ज़्यादा डिवाइस मैटर करता है। आपका डिवाइस अच्छा होगा तो आपका स्किल भी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगा। लेकिन ये मत भूलना, गेम खेलने के लिए आपको इंटरनेट से कनेक्टेड होना है, नहीं तो गेम चलेगा ही नहीं। मतलब इंटरनेट बहुत मैटर करता है। वाईफाई से मुझे 20 ms पिंग मिलता है और फ़ोन के इंटरनेट से 70 to 120 ms। 120 ms तक आप बिना किसी प्रॉब्लम का खेल सकते हैं। 130 ms में आप डिले को थोड़ा महसूस कर सकते हैं, स्पेशली अच्छे डिवाइसेस में, और 150 ms तक आप डिले के साथ थोड़ी बहुत खेल सकता है, लेकिन 150 ms एंड अबव में खेलना इम्पॉसिबल हो जाता है। अगर हम डिवाइस इंटरनेट कनेक्शन एंड स्किल तीनों को कंपेयर करेगा तो मैं पर्सनली 50-30 and 20 रेट करूँगा। डिवाइस के लिए 50, इंटरनेट के लिए 30 एंड स्किल के लिए 20। डिवाइस और इंटरनेट कनेक्शन स्किल से ज़्यादा इसीलिए मैटर करता है क्योंकि दोनों को हम डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। दोनों एक्सटर्नल फैक्टर हैं और दोनों में लिमिटेशन होता है, लेकिन स्किल में ऐसा कुछ लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि स्किल इंटरनल फैक्टर है, वो हमारा डिसीजन मेकिंग स्किल से आता है, ये अंदर की बात है। आप बिना गेम खेल के भी स्किल को इम्प्रूव कर सकता है। केवल प्रो प्लेयर्स के गेम प्ले को देखकर भी आप अपने स्किल को इम्प्रूव कर सकता है। आपका डिसीजन मेकिंग स्किल अच्छा होगा तो स्किल भी सही होगा। लेकिन डिवाइस और इंटरनेट स्पीड को आप प्रो प्लेयर्स का वीडियो देखकर इम्प्रूव नहीं कर सकता है, इसीलिए डिवाइस और इंटरनेट कनेक्शन ज़्यादा मैटर करता है। और लो फ्रेम रेट और लो एंड डिवाइस दोनों सेम नहीं होता है। जी हाँ, लो फ्रेम रेट और लो एंड डिवाइस, बजट या हाई एंड डिवाइस को आप लो FPS में रख के लो एंड डिवाइस का एक्सपीरियंस नहीं मिल सकता है। लो एंड डिवाइस का एक्सपीरियंस को हम सिर्फ प्रॉपर लो एंड डिवाइस में ही एक्सपीरियंस कर सकता है। बजट एंड हाई एंड डिवाइस में भले ही आप फ्रेम रेट को लो में रखो, आपका फ्रेम रेट लो एंड डिवाइस जैसा लैग नहीं होगा। आपको कंस्टेंट 20 या 25 FPS मिलेगा, क्योंकि आपका डिवाइस नॉर्मली लोअर फ्रेम रेट से हायर फ्रेम रेट सपोर्ट करता है। लेकिन प्रॉपर लो एंड डिवाइसेस में ऐसा कंस्टेंट फ्रेम रेट नहीं मिलता है, क्योंकि डिवाइस का बेस्ट पॉसिबल फ्रेम रेट ही लो है, और डिवाइस का असली फ्रेम रेट बेस्ट पॉसिबल फ्रेम रेट से हमेशा लोअर होता है। और गेम के अंदर फ्रेम रेट तो ड्रॉप होता ही है, मतलब 20 या 25 FPS से नीचे होगा। और जब एनिमीज 10 मीटर से करीब पहुंच जाता है तो हाई फ्रेम ड्रॉप होने के कारण आपका गेम कुछ सेकंड्स के लिए फ्रीज हो जाता है। लेकिन बजट एंड हाई एंड डिवाइसेस में ऐसा हाई फ्रेम ड्रॉप नहीं होता है। फ्रेम ड्रॉप होने के बाद भी दोनों डिवाइसेस में कंस्टेंट लो FPS मिलेगा, क्योंकि दोनों का असली फ्रेम रेट लो FPS से ज़्यादा होता है।
इसीलिए बजट एंड हाई एंड डिवाइसेस में भले ही आप फ्रेम को लो FPS में रखो, आपको असली लो एंड डिवाइस का एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। इधर मैंने अपना फ्रेम रेट को लो में रखा है, लेकिन फिर भी मैं गेम शुरू होने से पहले गेम मोड को चेक कर पाता हूँ और काउंटडाउन टाइम को भी देख पाता हूँ, लेकिन प्रॉपर लो एंड डिवाइसेस में ऐसा नहीं होता है। गेम मोड को चेक कर सकने से पहले गेम शुरू हो जाता है, इसीलिए हम बजट या हाई एंड डिवाइसेस को लो FPS में रखकर लो एंड डिवाइस का एक्सपीरियंस नहीं कर सकता है। जायरोस्कोप, रिकॉइल कंट्रोल, टारगेट ट्रैकिंग, टच रेस्पॉन्स बजट एंड हाई एंड डिवाइसेस में असली लो एंड डिवाइसेस जैसा नहीं होता है, इसीलिए हम लो एंड डिवाइस प्लेयर्स को आप अपना बजट या हाई एंड डिवाइस को लो FPS में रख के चैलेंज नहीं करना है, क्योंकि आपका फ्रेम रेट हमेशा कंस्टेंट रहेगा लेकिन उनके फ्रेम रेट ड्रॉप होगा, जिसके कारण वे आपको मार नहीं पाएगा। लो एंड डिवाइसेस में आप चाहे जितना भी प्रैक्टिस कर लो, आपका स्किल कभी इम्प्रूव नहीं होगा, क्योंकि वो हार्डवेयर लिमिटेशन है, आपका स्किल का नहीं। आपका डिवाइस अच्छा होगा तो आपका स्किल ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगा, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ऑनर 9 लाइट में मुझे एनिमी को ट्रैक करने में बहुत तकलीफ होता है और एनिमी स्क्वाड को क्लच करने का मौका ही नहीं मिलता है। एनिमी स्क्वाड आते ही गेम फ्रीज हो जाता है, लेकिन पोको F1 में फुल स्क्वाड को भी क्लच कर पाता हूँ। इट्स ऑल अबाउट हैविंग ए गुड डिवाइस। डिवाइस अच्छा होगा तो आपका स्किल भी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगा। एमिंग, टारगेट ट्रैकिंग, रिकॉल कंट्रोल एंड रिएक्शन टाइम ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगा। इस टेस्ट को मैंने अपना गेम डिजाइनिंग एक्सपीरियंस और लो एंड एंड बजट डिवाइस का गेमिंग एक्सपीरियंस से बनाया है। अगर कोई आपको कहता है कि डिवाइस से ज़्यादा स्किल मैटर करता है, तो आप उन्हें इस वीडियो को जरूर दिखाना, या फिर उससे बेहतर आप उन्हें अपना प्रो डिवाइस में 2-3 मैच खेलने दो, एकदम फर्स्ट क्लास एक्सपीरियंस होगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है और ऐसा ट्यूटोरियल देखने मन है, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं एक बजट डिवाइस प्लेयर हूँ, इसीलिए मैं लो एंड एंड बजट डिवाइस प्लेयर्स के लिए वीडियोस बनाता हूँ। अगर आप एक लो एंड डिवाइस प्लेयर हैं, यानी कच्चा खिलाड़ी, अ नूब, तो मेरा वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। आप बन जाओगे कच्चा खिलाड़ी से पक्का खिलाड़ी, यानी हीरो से हीरो, और आपका टीममेट आपका स्किल इम्प्रूवमेंट को देख के कहेगा, अरे भाई, अरे बाप रे, तू तो बहुत इम्प्रूव हो गया है। धन्यवाद, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।